नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। आज हम मूवी रिव्यू करेंगे मैरी क्रिसमस। मैं आपको मैरी क्रिसमस विश नहीं कर रहा हूँ, ये बॉलीवुड मूवी लेके आया है थिएटर। और समय देखो कैसा चूज किया है, जब पूरा देश राममय है तो ये बॉलीवुड वाले मैरी क्रिसमस बोल रहे हैं। यदि 25 दिसंबर को लाता तो कम से कम हमारे देश के बहुत सारे है जो जागे मूवी देखता, बिल्कुल देखता। बहुत सारे है जो विश करता है मैरी क्रिसमस। मैं तो भाई ये सब चीज बिल्कुल विश नहीं करता। या तो इस मूवी को OTT पे डाल देता, वहां तो सब देख ही लेता, कोई बात नहीं, आदमी टाइम पास करना है देख लेगा। लेकिन थिएटर में कौन जाकर भी मूवी देखेगा इस समय में। 2 दिन में ही डिजास्टर हो चुका है ये मूवी। और इस मूवी के डायरेक्टर का क्या नाम है, राम राघवन। 500 वर्षों के बाद राम जी अपने घर पधार रहे हैं और राम राघवन नाम के आदमी मेरी क्रिसमस मूवी लेके आया है। हर हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था। मूवी की कहानी की बात करें तो एक अधेड़ उम्र की महिला है जिसकी दोस्ती हो जाता है क्रिसमस के रात को अधेड़ उम्र के पुरुष से। वो उसको अपने घर लेके चली जाती है। इन दोनों के बीच में एक बच्चा भी है जिसका किरदार बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस बच्चे का जो किरदार लिखा गया वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और उसी रात में उसके पति का मर्डर हो जाता है उसी के घर में। इसी दोनों में से कोई एक कातिल है, जबकि दोनों साथ में ही पूरे रात है। आखिर उसके पति को कौन मार दिया, दोनों में से कैसे मार दिया और क्यों मार दिया, इसके लिए तो मूवी ही जाके देखना। सस्पेंस बना के रखा है थोड़ा सा मूवी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रख पाता है। जिसने अंधाधुन मूवी बनाया था उसी ने इसको भी बनाया था, लेकिन अंधाधुन मूवी का प्लस पॉइंट था उसके किरदार का अंधा होना, जिसके वजह से हम एक अचरज में पड़ जाते हैं, अरे ये कैसे कर दिया। लेकिन वैसा सरप्राइज ये मूवी हमें नहीं कर पाती है। 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है, जबरदस्ती आपको बांध के रखता है। आप मूवी देखने चले गए हो तो आप इंटरेस्ट तो लोगे ही मूवी में, इतना तो बांध के रख लेता है पूरा मूवी। जब ये मूवी खत्म होता है तो हमारे अंदर वो भाव नहीं जगा पाता कि हम मूवी के बारे में गहराई से जाके सोचें। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पूरी मूवी समझ में आ जाएगा। लेकिन सस्पेंस थ्रिलर मूवी ऐसा होना चाहिए कि आप थिएटर से निकल रहे हो तो उसको सोचते हुए निकलो, बाद में भी उस मूवी के गहराई के ऊपर आप गौर करो आखिर क्या दिखाया था। वैसा कुछ फील नहीं दे पाता है ये मूवी। एक्टिंग में तो वैसे भी सब के सब मजे हुए कलाकार हैं, तो सब ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया है। मेरा तो यही सलाह है कि ये मूवी जब OTT पे आएगी तब आप देख लेना। अभी यदि मूवी देखना ही है तो जाके हनुमान देखो। उसका जो 10 मिनट का लास्ट का सीन है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मेरे तरफ से इस मूवी को 5 में से 2 स्टार। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।